12th class. Today is our topic of botany. It is a new chapter, which is third one. It is biology in human welfare. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो biology है ये इंसानी improvement, इंसानी बेहतरी के लिए बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं. तो इस सिलसिले में जो हम आज टॉपिक डील कर रहे हैं, इसमें हमें पढ़ना है कि प्लांट ब्रीडिंग, इसमें प्लांट ब्रीडिंग में हमारे जहाँ तक सेटेबल्स इन प्लांट ब्रीडिंग, कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है. इसी तरह से हमें डील करना एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड सिंगल सेल प्रोटीन बायोफोर्टिफिकेशन. तो जो इंसान की ज़रूरत है, जैसे फूड फूड है या और कुछ चीज़ें हैं, उसमें बायोलॉजी का क्या रोल आ रहा है. तो इस सिलसिले में इंसान ने शुरू से ही बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं ताकि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिल सके. चूँकि आबादी का जो एक्सप्लोजन दिन से दिन हो रहा है, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि लैंड जो है वो उसी लेवल पर है. तो इसने ये क्या किया है, उसने बहुत सारे हाइब्रिड वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन अवेलेबल हो जाए. या इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनमें भी बहुत सारी क्रॉसेस किए हैं या नए नए हाइब्रिड्स वजूद में लाए हैं ताकि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मीट या इसी तरह से और चीज़ें अवेलेबल हो जाए. तो आज जो हमारा टॉपिक है इस एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर में है, तो देट इज़ प्लांट ब्रीडिंग. मेरे बच्चों, जो प्लांट ब्रीडिंग है इसमें हम डील करेंगे यही कि कैसे प्लांट्स की ब्रीडिंग होती है ताकि नए वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है. क्रॉप इम्प्रूवमेंट मीन्स डेवलप क्रॉप्स विद डेजर्ट कैरेक्टर सच एज हाई यील्ड, बेटर क्वालिटीज, रेजिस्टेंट डिफरेंट स्ट्रेसेस, डिजीज़, पेस्ट्स, ड्राउट, फ्रॉस्ट, सॉलिनिटी एटसेट्रा एंड शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इसमें जो हमें डील करना है कि क्रॉप्स को इम्प्रूवमेंट, जैसे कि इंसान ने शुरू में से कुछ क्रॉप्स को मतलब वजूद में लाया है या पास की है, तो उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने फिर की है ताकि उसको क्या मिलेगा, उसको हाई यील्ड. उसका टारगेट था कि जो यील्ड है उसकी पैदावार दिन से दिन मतलब बढ़नी चाहिए, हाई यील्ड उसका टारगेट था. और दूसरा था बेटर क्वालिटीज़, उसमें जो इंसान को मिलना चाहिए था बेटर क्वालिटीज़. दूसरा था रेजिस्टेंट टू डिफरेंट स्ट्रेसेस, जैसे कि कहीं ज़्यादा हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में, तो ऐसी वैराइटीज़ होनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंट हो ऐसी चीज़ पर या डिजीज़ जिन पर हावी न हो जाए या जिन पर पेस्ट नुकसान कर सके. इस तरह से ड्राफ्ट होगा, कहीं मतलब बारिश अवेलेबल नहीं होती है, पानी अवेलेबल, ऐसी कंडीशन में वो वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि जो ऐसी कंडीशन में सस्टेन हो सके. तो एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी, इसके अलावा ये इंसान का टारगेट रहा है कि जो उसका ड्यूरेशन हो वो ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए ताकि वो एक ही लेन पर बहुत सारी फसलें उगा सके. या कहीं ऐसा भी होता है कहीं कहीं जगह पर कि जो ये मौसम चेंज होता है, तो उस वजह से इंसान का ये भी टारगेट रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन यानी जो उसका फसल है वो कम टाइम में मैच्योर होना चाहिए. तो शॉर्ट ड्यूरेशन मैच्योरिटी भी उसका एक टारगेट रहा है. तो प्यारे बच्चों, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के सिलसिले में जहाँ इंसान ने यही ख्याल रखा है कि वो ऐसे करेगा वैराइटीज़ या ऐसे क्रॉप्स का इंतखाब करे जो हाई यील्ड हो, जिनमें बेटर क्वालिटीज़ हो, जो रेजिस्टेंट हो डिजीज़ का, पेस्ट्स का, इसी तरह से जो शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको मैच्योर हो सके. इट इज़ डन बाय इम्प्रूविंग द जेनेटिक पोटेंशियलिटीज़ इन क्रॉप प्लांट्स एंड द साइंटिस्ट्स हु आर कंसर्न विद इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स और प्लांट ब्रीडर्स. तो वो साइंटिस्ट जो इसके साथ टच करते हैं, जो ये काम करते हैं, उनका कहते हैं प्लांट, दे आर नोन एज प्लांट ब्रीडर्स. दे आर नोन एज प्लांट ब्रीडर्स एंड द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैराइटीज इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग. और वो साइंस जो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप के साथ लिंक हुआ है उसको हम कहते हैं इट इज़ प्लांट ब्रीडिंग. वो साइंस वो दो टर्म्स यहाँ पर हम कहते हैं, एक वो साइंटिस्ट है या वो शख्स है जो इस प्लांट ब्रीडिंग के साथ टच करता है उसको हम प्लांट ब्रीडर्स कहते हैं. और साइनस जो इसके साथ रिलेट करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स के साथ, तो उसको हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडर्स सेलेक्ट डिफरेंट प्लांट्स विद डेजर्ट कैरेक्टर्स एंड क्रॉस देम टू ऑब्टेन डेजर्ट कैरेक्टर. तो जब वो क्रॉस करते हैं तो इसमें यही मकसद है कि उनको अच्छा कैरेक्टर मिले, डेजर्ट कैरेक्टर मिले. इन द ऑफसेलिंग, जो ऑफसेलिंग होगा उसमें वो कैरेक्टर होगा जो इंसान चाहता है, जिसमें वेल क्वालिटीज हो, अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हो. तो इस तरह से यही इंसान का टारगेट रहा है. ऑफ सेबरिंग जिनको हम हाइब्रिड्स कहते हैं, डेजर्ट कैरेक्टर्स और देन सेलेक्टेड. और जिस हाइब्रिड में, जिस ऑफ सेबरिंग में यही डेजर्ट कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं या हासिल होते हैं, तो वही फिर बेल में सेलेक्ट किए जाते हैं
टेस्टेड, उन पर टेस्ट किए जाते हैं, उनको मल्टीप्लाइड किया जाता है एंड सप्लाइड फार्मर्स। तो इसके बेहद फार्मर को अवेलेबल किया जाता है ग्रोअर ऑफ प्लांटर्स, और प्लांटर्स जो होते हैं जो इसके फार्मर्स होते हैं उनको दिया जाता है ताकि वो इस फसल का इस क्रॉप पर काश्त कर सके। तो इम्प्रूव वैरायटी, एंड इम्प्रूव वैरायटी इज़ सुपीरियर टू द अदर एग्जिस्टिंग वैरायटीज ऑफ द सेम क्रॉप इन रेस्पेक्ट ऑफ वन और मोर, लाइक हाई यील्ड, सुपीरियर क्वालिटी, अर्ली मेच्योरिटी, रेजिस्टेंस टू इम्पोर्ट डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट। तो इम्प्रूव वैरायटीज उस वैरायटी को कहती हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे करेक्टर्स अवेलेबल हो, जिसमें सुपीरियर करेक्टर, जिसमें हमारा मेन मकसद है कि सुपीरियर करेक्टर्स में अवेलेबल होना चाहिए, और अदर वैरायटीज़ ऑफ द सेम क्रॉप, अगर यानी अगर बहुत सारे क्रॉप्स हैं इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो वो क्रॉप जिसमें सुपीरियर क्वालिटीज़ हमें मिलेंगे या सुपीरियर वैरायटीज़ मिलेंगे, तो जैसे हाई यील्ड मिलेगा हमें, बहुत सारे वैरायटीज़ है इसमें, कोई एक वैरायटी है जिसमें हाई यील्ड हमें मिलता है, इसमें इसी तरह से सुपीरियर क्वालिटी होगा, अर्ली मेच्योरिटी होगा या रेजिस्टेंट टू डिजीज़ होगा, तो इस तरह से उस वैरायटी को हम कहते हैं इट इज़ इम्प्रूव्ड वैरायटी। डियर स्टूडेंट्स, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैन बी अचीव्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, तो इसके लिए बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे स्टेप्स उठाने हैं, तब हमें एक इम्प्रूव क्रॉप मिलेगा या इसके लिए हमें एक डिज़ायर्ड वैरायटी मिलेगा। तो इसके लिए पहला जो है वो देट इज़ सेलेक्शन, पहला हमें सेलेक्शन करना है, इंट्रोडक्शन उसको इंट्रोड्यूस करना है, एसेमलाइजेशन, इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन, पॉली पोलाइडी, इसी तरह से ब्रीडिंग, इंट्रोसर म्यूटेशन, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये वो स्टेप्स हैं जो हमें इस प्लांट ब्रीडिंग में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है दैट इज़ सेलेक्शन, सेलेक्शन जो है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सेलेक्शन जो होती है वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। द प्रोसेस, पहला हमारा पॉइंट है सेलेक्शन, द प्रोसेस बाई विच द सूटेबल एंड डेजर्ट वेरियस प्लांट्स आर चूजन फॉर ब्रीडिंग और इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड सेलेक्शन। हम किसी सूटेबल एंड डिज़ायर्ड वेराइटी को हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं फॉर ब्रीडिंग और इम्प्रूवमेंट, जिसमें हम उसको ब्रीडिंग के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए उसको हम चूज़ करते हैं उसका कहते हैं दैट इज सेलेक्शन। वेराइटीज प्लांट्स आर चूजन फॉर ब्रीडिंग और इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड सेलेक्शन। द सेलेक्शन इन अ पॉपुलेशन कैन बी इश्योर बाई प्रिजर्विंग डिज़ायरेबल ट्रेट्स लाइक अर्ली राइपनिंग, इसके लिए हम क्या करते हैं अर्ली राइपनिंग का ख्याल रखते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट, बेटर क्वालिटी, हाई यील्ड एंड ड्राउट एंड वाटर रेजिस्टेंट। द सेलेक्शन कैन बी टू टाइप्स, सेलेक्शन जो होती है दो तरफ से होती है। तो पहला हम हमारा जो टारगेट है दैट इज सेलेक्शन, हम ऐसी वैरायटी को सेलेक्शन करते हैं या जिसमें बेहतरीन क्वालिटीज़ मौजूद हो, तो इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दैट इज़ सेलेक्शन के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स का खास ख्याल रखते हैं या खास ट्रेट्स का ख्याल रखते हैं, जैसे अर्ली राइपनिंग मतलब जल्दी तैयार हो, जल्दी पकता हो वो क्रॉप, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट, उसमें ज़्यादा बीमारी का खतरा ना हो, बेटर क्वालिटी हो, इसी तरह से हाई यील्डिंग एंड उसमें ज़्यादा हमें यील्ड मिले, इट इज़ ऑल्सो केप्ट इन कंसिड्रेशन। इसी तरह से ड्रॉट एंड वाटर रेजिस्टेंट, उनमें ड्रॉट कहीं मतलब अगर ऐसी खुशक साली हो या कोई पानी अवेलेबल ना हो या और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसमें वो उसमें रेजिस्टेंस होनी चाहिए। इसी तरह से वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, वाटर अवेलेबल हो तो उसमें की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। द सेलेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जो इस बेस पर हम किसी प्लांट को सेलेक्शन करते हैं, मगर सेलेक्शन दो तरह की फिर भी होती है, मॉस सेलेक्शन पहला होता है मॉस सेलेक्शन, तो दूसरा होता है, दूसरे को हम कहते हैं प्योर लाइन सेलेक्शन। तो प्यारे बच्चों हम ये बताएंगे व्हाट इज़ मॉस सेलेक्शन। मॉस सेलेक्शन मीन व्हेन डिजायरेबल इंडिविजुअल प्लांट्स आर सेलेक्टेड सोलली ऑन द बेस ऑफ देयर फेनोटाइप ग्रोइंग इन मॉसेस, तो हम उनकी फेनोटाइप्स वहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो इस पर जो बहुत सारे प्लांट्स हमें अवेलेबल होते हैं, एक मॉस बनती है, तो उनका फेनोटाइप हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम इनका फेनोटाइप कंसिडर करते हैं, तो इसके उसका मेन ऑन द बेस ऑफ देयर फेनोटाइप ग्रोन इन मॉस, तो इसके बाद उसको हम एयर मॉस लेवल पर ग्रो करते हैं। तो दूसरा होता है प्योर लाइन सेलेक्शन, प्योर लाइन सेलेक्शन इज़ द कलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम सेल्फ पोलिनेशन ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस इंडिविजुअल। प्योर लाइन सेलेक्शन में हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो हम इसमें हम एक कलेक्शन करते हैं, उसमें इसके बाद हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को मतलब इसमें सेलेक्ट करते हैं,
जो हमें असल पोलन से अवेलेबल होता है, और फिर सिंगल होमोजाइगस इंडिविजुअल और सिंगल होमोजाइगस इंडिविजुअल से अवेलेबल होता है। तो सम वेराइटीज़ हैव गॉट सेलेक्टेड नेचुरली ज्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, वेल एज ह्यूमन एफर्ट्स वेरियस वेराइटीज़ हैव बीन सेलेक्टेड आर्टिफिशियली। कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं कि जो नेचुरल लेवल पर सेलेक्ट होते हैं, यानी कि जो जो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, तो उनको हम एवोल्यूशन के लेवल पर सेलेक्ट करते हैं। तो कुछ इंसान एफर्ट से ये, यानी इंसान आर्टिफिशियली उनको सेलेक्ट करता है। तो इसके बाद एक और पॉइंट है, इंट्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेरियस प्लांट्स फ्राम देयर ग्रोइंग लोकलिटीज टू न्यू प्लेस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हम हमारी कोई वेराइटी होती है जो हमने सेलेक्ट की है, इसको इंट्रोड्यूस करना है, यानी उसको हम उस जगह से उठाते हैं जहाँ पर ये ग्रो होता है, ग्रो लोकलिटी से, और उसके बाद उसको हम नए नए प्लेस पर ले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इट इज़ इंट्रोडक्शन। द वेराइटीज़ ऑफ पोटेटो टोबैको मेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन एशिया फ्रॉम अमेरिका। इसी तरह से जो पोटेटो है या टोबैको है, इसको अमेरिका से एशिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी तरह से डेवर ऑफ रेस वेराइटीज टेकिंग इंट्रोड्यूस फ्रॉम ताइवान टू इंडिया। इसी तरह से जो डेवर ऑफ रेस वेराइटीज़ है, उनको ताइवान से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी तरह से इंटरनेशनल राइस वेराइटीज आई और एट जो होता है फ्रॉम फिलिपिन, उसको हमने फिलिपिन से इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। इसी तरह से द सिंपल जीन डेवर वेराइटीज ऑफ वीट सोनोरो लर्मा और रोजा इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम एक्सपोर्ट टू द इंडिया। इसी तरह से एक और वेराइटी जिसको हम कहते हैं वेराइटी डेवर वेराइटी ऑफ वीट, इसको मैक्सिको से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। इट हैज़ फूड एक्सपेशली लीची फ्रूट्स एंड लोकेटस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम चाइना। इस तरह से कुछ लीची जो है, जो कुछ फ्रूट वराइटीज हैं, उनको हमने चाइना से इंट्रोड्यूस किया है। थ्रू द सेम वेरियस यूजफुल एनिमल वराइटीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। इस तरह से कुछ यूजफुल एनिमल वराइटीज है, उनको यूरोप से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। एसिमिलेशन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड अडॉप्टेशन ऑफ डिफरेंट चेंज एक्लाइमेटाइजेशन। तो इस तरह से उनको एडजस्टमेंट होना, एडाप्टेशन होना उन डिफरेंट वराइटीज का एनवायरमेंट, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दीज वराइटीज एंड देयर क्रॉस ब्रीडर्स गेट हाइब्रिडाइज्ड देन देयर सीड्स आर गिवन टू फार्मर्स एंड ग्रोन फॉर फर्दर कल्टीवेशन प्रोपगेशन। जब उन वराइटीज को या उनके क्रॉस ब्रीडर्स को हाइब्रिडाइज के बेस नए एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया और फार्मर्स को दिए जाते हैं, उनका एडजस्टमेंट किया जाता है, उनकी अडाप्टेशन की जाती है, तो उसको हम कहते हैं ताकि उनकी कल्टिवेशन हो सके, उनकी प्रोपगेशन हो सके, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेटाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।